Hello everyone, my name is Ayushi Kapoor. Today I am going to tell you about age appropriate developmental milestone. As I told you in my previous video, what are developmental delay, what are developmental milestone. So today I am going to tell you what are age appropriate milestone. So as I told you in my previous video, milestone matters. Why I said this? Today I am going to tell you. The first 3 years of the child life are an amazing time of development. Why I said this? Because जो हमारे 5 साल बच्चे के होते हैं, जब बच्चा इसमें ग्रो करता है, लाइक 0 to 3, 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12, 12 to 15 months, these 15 months, or I would say like 18 months, are very important for any development, because these 18 months or like 21 months are with the child for throughout their life. When we talk about normal development, it includes gross motor, fine motor, social, communication and cognitive skill. Now, what is the meaning of gross motor skills? क्रॉस मोटर स्किल होता क्या है? बच्चा खड़ा कैसे हो रहा है, बच्चा बॉल को किक कर पा रहा है या नहीं, बच्चा सिट टू स्टैंड कर रहा है या नहीं, बच्चा अगर अपना हाथ ऊपर उठा रहा है या नहीं. नाउ इफ आई से व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फाइन मोटर स्किल्स, फाइन मोटर स्किल रेफर्स टू इफ द चाइल्ड कैन ईट प्रॉपरली बाई यूजिंग स्पून, ही कैन टर्न ऑफ हिज शर्ट्स और टक हिज बटन, if he can, you know, write properly with a pencil, with a pen, with a graded pencil, pens, or I would say brushing, if he can use brushing. And what's the meaning of social skill? Social skill मतलब बच्चा कितना interact कर पा रहा है. अगर आपको कोई hi बोल रहा है तो उसका respond hello आ रहा है या नहीं, वो आपसे बात कर रहा है या नहीं. What a cognitive skill. The child is understanding or not. If you are giving to a command like go here, go to the left, the child is going to the left or not. You should keenly observe what are the age appropriate milestone. Gross motor skills. What are gross motor skills? अगर हम बोले 3 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है, 3 महीने का बच्चा कैन होल्ड हिज नेक, होल्ड हिज हेड. तो ज़रूरी नहीं है कि 3 महीने का बच्चा यही सब कुछ कर सकता है. कई बार क्या होता है, पेस ऑफ डेवलपमेंट फास्ट होती है, कुछ बच्चे जल्दी कर लेते हैं तो कुछ बच्चे लेट कर लेते हैं. बट द पेरेंट्स शुड नो कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिले एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लेट. सपोज इफ आई से द चाइल्ड इज होल्डिंग हिज नेक एट 4 मंथ, दैट इज प्रीटी मच ओके. यू कैन नॉट से कि मेरा बच्चा डिले है. नो, बाय सीइंग ऑल द डेवलपमेंटल माइलस्टोन, आफ्टर दैट ओनली you can go to you can conclude. Don't tag your child by saying ki mera bachcha 4 mahine ka ho gaya but wo gardan nahi sambhal pa raha hai. It's not like that. It can be late, like 15 days, 1 month or 1 month 15 days, it's okay. बट अगर आपका 3 महीने का बच्चा है, वो 5 महीने में भी गर्दन नहीं संभाल रहा है, देन यू शुड कीनली ऑब्जर्व कि हाँ, कि 5 महीने में हो गया, इसने अपना गर्दन अभी तक नहीं संभाली है, जो हमारा एक पहला माइलस्टोन होता है इन ग्रॉस मोटर. देन वी हैव लाइक 5 महीने का बच्चा क्या क्या कर सकता है. 5 महीने का बच्चा रोल ओवर कर सकता है. आफ्टर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोल ओवर, करवट लेना. कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने कंधे के हिसाब से करवट लेते हैं, कुछ सिर के हिसाब से लेते हैं, दैट इज ओके. द पेरेंट्स शुड नॉट टू वरी अबाउट कि मेरा बच्चा करवट प्रॉपरली नहीं ले रहा. कई बार क्या होता है, 3 महीने का बच्चा ही करवट लेना स्टार्ट कर देता है, दैट इज ऑल्सो फाइन, नो इशू. 4 महीने का बच्चा भी ले लेता है. द टाइम एंड द पेस ऑफ डेवलपमेंट में वेरी विद किड टू किड. कुछ बच्चे बहुत जल्दी कुछ सीखते हैं, कुछ बच्चे बहुत लेट सीखते हैं, और कुछ बच्चे बिल्कुल एज अप्रोप्रिएट चलते हैं. तो द थिंग इज द पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग थ्रू विद देयर चाइल्ड, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट वुड नॉट हैपन. नाउ
छह महीने का बच्चा क्या कर सकता है? छह महीने का बच्चा केन सिटिंग विद सपोर्ट होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब छह महीने का बच्चा बैठा होता है उसको एक सहारे की जरूरत पड़ती है बैठने में ही। इट डजेंट मीन कि वो टेढ़ा मेढ़ा बैठा है या कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स को बड़ा मिसकंसेप्शन होता है कि हमारा बच्चा बैठ नहीं रहा है जी, छः महीने का हो गया है। अगर वो सपोर्ट के साथ भी बैठ रहा है, इट इज़ ऑल्सो माइल स्टोन। सिक्स मंथ्स का बेबी विल सिट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट। ही नीड समथिंग सो दैट उसके ट्रंक मसल सपोर्ट में रहे। देन एट एट मंथ्स का बच्चा सिटिंग विदाउट सपोर्ट, मतलब ही कैन सिट इंडिपेंडेंटली, ही डजंट नीड एनी सपोर्ट। बट इसमें भी एक ट्रिक है कि ऐसा नहीं है कि आठ महीने में ही आपका बच्चा सिटिंग विदाउट सपोर्ट आ जाएगा। कुछ बच्चे साढ़े आठ महीने में बैठते हैं, कुछ बच्चे नौ महीने में भी बैठते हैं। 15 दिन का डिले या 18-20 दिन का डिले इज नॉट अ डिले। हाँ, अगर आपका बच्चा दो महीने में लैग कर रहा है, देन इमिजिएटली यू शुड गो टू एनी डॉक्टर और पीडियाट्रिशियन। देन 9 months का बेबी क्या कर सकता है? 9 months का बेबी विल स्टैंड, he needs support. Nine months ka baby stand with the support. He needs something to help him to make him stand. अगर बच्चा खड़ा हो रहा है तो वो चेयर पकड़ के खड़ा होगा, टेबल पकड़ के खड़ा होगा, या अपने पेरेंट्स का हाथ पकड़ के खड़ा होगा। देन 12 मंथ्स का बच्चा विल स्टैंड बाय हर ओन। इसका मतलब वो अपने आप बैठ के खड़ा हो जाएगा, वो अपने आप को बैलेंस कर सकता है। बट 9 महीने और 12 महीने के बीच का जो अंतराल होता है, इसके बीच में क्रूजिंग स्टेज आती है, जिसमें बच्चे को पता होता है कि अब वो 9 मंथ में स्टैंडिंग विद सपोर्ट आ गई है, मतलब ही कैन stand properly, now he is going to walk, तो वो पकड़ पकड़ के चलने लग जाता है कुछ भी चीज़ों को। he needs something to walk, he needs something from which he can hold and he can walk properly, that's a cruising stage. at 12 months the child will walk independently, he'll not run, इस चीज का पेरेंट्स ध्यान रखे, he'll not run, he'll walk, he'll take a baby steps. now in 15 months he'll walk alone. He'll walk alone, वो अकेले चल लेगा। He doesn't need एक बच्चा उंगली पकड़ के चलता है पेरेंट्स की, नहीं, वो अकेले चलना लग जाता है। Now in 18 months he'll creep stairs, वो ऊपर पैर बढ़ाने लग जाता है, एक स्टेप चढ़ता है, दो स्टेप चढ़ते हैं, जिसे हम बेबी स्टेप्स भी कहते हैं, in ascending the stairs. 2 साल का बच्चा walk upstairs एंड 3 साल का बच्चा वॉक अपस्टेयर्स एंड डाउनस्टेयर्स। बिकॉज ये 2 और 3 साल में काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, 2 साल में सीढ़ी चढ़ तो लेते हैं बट वो उतर नहीं पाते। जो प्रॉपर इसकी स्टेज आती है, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, क्योंकि कई कई बच्चों में पेस ऑफ डेवलपमेंट अलग अलग होती है, जो 3 साल का बच्चा होता है वो स्टेयर्स उतर भी जाता है, चढ़ भी जाता है, प्लस हिल राइड अ ट्राईसाइकिल टू, जिसे हम कहते हैं। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया, वो साइकिल तो चला रहा है बट पेडल नहीं मार रहा है। दैट इज ओके, ही न्यू कि आई नीड टू पेडल अ साइकिल, बट समटाइम ही डोंट अंडरस्टैंड कि मुझे कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आगे बात करेंगे। वो भी माइलस्टोन्स होते हैं दैट वी टोल्ड यू अबाउट द कॉग्निटिव स्किल्स। तो इन 3 years द चाइल्ड विल मूव अपस्टेयर्स, move downstairs and plus ride a cycle.